के ऑनलाइन क्लासेस कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम आपके लिए इस प्रैक्टिस सीरीज में टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन लेकर आए हैं। तो चलिए आपका समय वेस्ट न करते हुए हम प्रैक्टिस सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इस सेंटेंस में यहाँ पर जो ये स्पेस दिया गया है, ये खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर इन दोनों में से आपको एक सुटेबल वर्ड को इंसर्ट करना है। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर वन देख लेते हैं। ही गेव मी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रू न्यूज या फिर करेक्ट न्यूज। स्टूडेंट करेक्ट न्यूज कभी नहीं होता, वो हमेशा ट्रू न्यूज होता है। तो याद रखिएगा, करेक्ट न्यूज कहना ग्रामेटिकली रॉन्ग है। हम हमेशा ट्रू न्यूज शब्द का इस्तेमाल करें, कभी भी आप करेक्ट न्यूज शब्द का प्रयोग करने से परहेज करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, शी इज माय स्टूडेंट। कजिन के साथ में हम कभी भी सिस्टर या ब्रदर शब्द का प्रयोग नहीं करते, तो शी इज माय कजिन। तो यहाँ पर स्टूडेंट चूंकि शी से अपने आप पता लग रहा है कि वह मेरी चचेरी बहन है, तो यहाँ पर स्टूडेंट जब शी वर्ड इस्तेमाल किया गया है तो आपको यहाँ पर सिस्टर वर्ड का प्रयोग करना ये अनावश्यक होगा, मतलब ये हमारा सुपरफ्लुअस होगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ कजिन वर्ड को इस्तेमाल करें, सेंटेंस विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा स्टूडेंट, ही इज योर। स्टूडेंट हम कभी भी कंसोर्ट वर्ड के साथ में हस्बैंड या वाइफ वर्ड को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कंसोर्ट का मतलब होता है जीवन साथी। तो जीवन साथी कौन होता है, या तो वाइफ होती है या तो हस्बैंड होता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ही की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब हस्बैंड की बात कर रहा हूँ। ही इज योर कंसोर्ट, वह आपका जीवन साथी है, इसका मतलब वह आपका हस्बैंड है। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट हस्बैंड वर्ड को इस्तेमाल करने से बचना है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर, इट इज द ऑफ दिस मैटर। स्टूडेंट फाइनल कंक्लूजन या फिर कंक्लूजन, स्टूडेंट जो कंक्लूजन होता है वो अपने आप में फाइनल होता है, इसीलिए यहां पर हम कंक्लूजन के साथ में फाइनल वर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा करने से हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन कंक्लूजन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिएगा, ही ऑब्टेंड इन मैथ्स। स्टूडेंट ये पास मार्क्स होता है, कभी भी पासिंग मार्क्स नहीं होता, ये गलत है। तो यहां पे पास मार्क्स वाला ऑप्शन करेक्ट होगा ग्रामेटिकल। तो ही ऑब्टेंड पास मार्क्स इन मैथ्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा, योर फ्रेंड कमिटेड स्टूडेंट अ ब्लंडर या फिर अ ब्लंडर मिस्टेक। देखिए स्टूडेंट अ ब्लंडर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ब्लंडर के साथ में हम कभी भी मिस्टेक वर्ड को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लंडर का अपने आप में मीनिंग होता है बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम मिस्टेक वर्ड को इस्तेमाल करेंगे ब्लंडर के साथ में, तो ऐसा करना ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ये अनावश्यक होगा। तो यहाँ पर अ ब्लंडर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए स्टूडेंट, यू बिकम अ किंग, व्हाट विल यू डू फॉर द पीपल। अगर आप राजा बन जाते हैं तो आप गरीब लोगों के लिए क्या करोगे। तो द पुअर, जब हम एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा प्लुरल नाउन बन जाता है, गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग। तो इसी तरीके से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर सपोजिंग इफ या फिर इफ, देखिए स्टूडेंट हम सपोजिंग और इफ दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते, ऐसा करने से हमारा सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर या तो सपोजिंग को यूज करना है या फिर इफ को। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, तो यहाँ पर इफ का प्रयोग कीजिए तो सेंटेंस विल बी करेक्ट। इफ यू बिकम अ किंग व्हाट विल यू डू फॉर द पुअर, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट देखिएगा, यू स्पीक द ट्रूथ आई वॉन्ट लेट यू गो। तो यहाँ पे देखिएगा अनलेस नोट या फिर अनलेस, स्टूडेंट अनलेस के साथ में हम नोट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव सेंस गिविंग वर्ड होता है और ये नेगेटिव वर्ड होता है। यहाँ पर स्टूडेंट हम अनलेस का यूज करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा जब तक आप सच नहीं बोलते मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पर अनलेस का यूज किया जाएगा, अनलेस नोट गलत होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर नाइन, डोंट योर पोस्ट एंड पावर। स्टूडेंट जब कोई भी इंसान अपनी पोस्ट या पावर का दुरुपयोग करता है तो उसके लिए अब्यूज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, मिसयूज का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर अब्यूज का मतलब दुरुपयोग करना होगा, गाली देना नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा डोंट अब्यूज योर पोस्ट एंड पावर, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। मिसयूज का प्रयोग हम जब अपने समय का या पैसे का दुरुपयोग करते हैं तो वहां पे हम मिसयूज का प्रयोग करते हैं, और जब कोई व्यक्ति अपने पद प्रतिष्ठा या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है तो वहां पे हम दुरुपयोग के लिए अब्यूज वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको सुपर फ्लुअस वाले एक्सप्रेशन के टॉपिक में बहुत अच्छे से बताया था, वो वाली वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा। नहीं देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, ही मी ऑन द रोड यस्टरडे। स्टूडेंट केम अक्रॉस सडनली,
तो यहां पर स्टूडेंट केम अक्रॉस होगा, क्योंकि केम एक वर्ड होता है स्टूडेंट हमारा, कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना। तो इसलिए स्टूडेंट अचानक मिलना इसी वर्ड में अपने आप में मीनिंग शामिल होता है, इसलिए यहां पर सडनली वर्ड लगाना अनावश्यक होगा, ये सुपरफ्लुअस है। तो यहां पर केम अक्रॉस होगा क्योंकि यहां पर यस्टरडे आया हुआ है, तो यहां पर सेकेंड फॉर्म हमारी कम की केम होगी, तो केम अक्रॉस। तो ही केम अक्रॉस मी ऑन द रोड, वो अचानक मुझे कल रोड पे मिल गया, तो यहां पर आपका केम अक्रॉस वाला ऑप्शन ठीक होगा। आइए स्टूडेंट इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर माय फ्रेंड इज स्मार्ट एट गिविंग स्पीच या फिर डिलीवरिंग स्पीच। स्टूडेंट यहां पर भाषण देने के लिए कभी भी गिविंग वर्ड को इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, हमेशा हम वहां पे डिलीवरिंग वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा माय फ्रेंड इज स्मार्ट एट डिलीवरिंग स्पीच, मेरा दोस्त भाषण देने में स्मार्ट है, मतलब वो निपुण है, अच्छा है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा स्टूडेंट्स, इट इज कंपैरेटिवली गुड या फिर बेटर। कंपैरेटिवली के साथ में स्टूडेंट हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री को इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा इट इज कंपैरेटिवली गुड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ही वॉज फ्रॉम दिस पोस्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो हमने सस्पेंडेड वर्ड लिखा है और एक्सपेल्ड लिखा है, इन दोनों में से हमें एक वर्ड को यहाँ पे चुनना है। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा ही वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम दिस पोस्ट। स्टूडेंट किसी भी इंसान को पोस्ट से सस्पेंड किया जाता है, यहाँ पर एक्सपेल वर्ड का प्रयोग करना गलत होगा। तो स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सस्पेंडेड होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, मिस्टर सैफी इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश या एंड इंग्लिश टीचर। एंड इंग्लिश टीचर कहना गलत होगा, ग्रामेटिकली अ टीचर ऑफ इंग्लिश बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये वाला ठीक होगा, मिस्टर सैफी इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, प्लीज डू नॉट कंपेल हिम टू गो, उसे जाने पर मजबूर मत करो, ही हैज हार्ट फीवर या फिर हाई फीवर। तेज बुखार के लिए हार्ट फीवर नहीं आता स्टूडेंट, वहां पे हाई फीवर आएगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, ही हैज हाई फीवर, मतलब उसे तेज बुखार है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट या सीइंग द पल्स ऑफ द पेशेंट। स्टूडेंट जो डॉक्टर होता है वो किसी भी पेशेंट की जब नब्ज देखता है तो उसके लिए वहां पे वो फीलिंग वर्ड आता है, कभी भी सीइंग नहीं आता, मतलब कि डॉक्टर जो है मरीज की नब्ज को देख रहा है, मतलब उसको वो महसूस कर रहा है। तो यहाँ पे सीइंग वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे फीलिंग आएगा। तो सेंटेंस बनेगा द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, वो पेशेंट की नब्ज को फील करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीइंग नहीं आएगा, कभी भी ध्यान रखना, यहाँ पे फीलिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ही हैज अ ग्रेट पेन इन हिज लेग एंड एक्यूट पेन इन हिज लेग। स्टूडेंट यहाँ पर एक्यूट पेन आएगा, ये मेडिकल टर्म होती है, ज्यादा मतलब कि तीव्र, मतलब बहुत ज्यादा दर्द है। तो बहुत ज्यादा के लिए स्टूडेंट यहाँ पर हम पेन से पहले एक्यूट वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, ही हैज एन एक्यूट पेन इन हिज लेग, उसकी पैर में बहुत ज्यादा दर्द है, मतलब बहुत तेज दर्द है। तो यहाँ पे ग्रेट वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे एक्यूट आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ही गेट्स, स्टूडेंट यहाँ पर लेस वर्ड नहीं होगा इस्तेमाल, यहाँ पर स्मॉलर होगा, ही गेट्स अ स्मॉलर सैलरी, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ही इज माई, यहाँ पर स्टूडेंट आउन फादर नहीं होगा, यहाँ पे खाली फादर होगा, मेरे अपने फादर। देखिए जो पापा होते हैं वो अपने ही होते हैं, तो यहाँ पे आउन का इस्तेमाल करना अनावश्यक होगा, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो यहाँ पर फादर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, प्लीज री राइट बैक या फिर री राइट। स्टूडेंट जब आप किसी भी वर्ड में आर ई री लिखते हो तो वहां पे बैक वर्ड की जरूरत नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा सुपरफ्लुअस है, तो यहाँ पे री राइट होगा। तो सेंटेंस बनेगा प्लीज री राइट दिस एप्लीकेशन, तो यहाँ पे बैक लिखना गलत होगा, यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन लिखेंगे, तो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकल करेक्ट होगा। तो चलिए स्टूडेंट इसी क्रम में अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही इज अ कोवर्ड पर्सन या फिर ही इज अ कोवर्ड। स्टूडेंट यहाँ पर हम अ कोवर्ड वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे कोवर्ड के साथ में हम पर्सन वर्ड को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट कोवर्ड का अपने आप में मतलब होता है कायर व्यक्ति, तो कोवर्ड के साथ में पर्सन लगाना अनावश्यक होगा, ऐसा करने से हमारा सेंटेंस सुपरफ्लुअस बन जाएगा। तो ये सेंटेंस होगा ही इज अ कोवर्ड, वह कायर व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, व्हाट इज योर बर्थडे या फिर डेट ऑफ बर्थ। तो हमारा डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, प्लीज कट, स्टूडेंट पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्पन वर्ड आता है, तो प्लीज शार्पन दिस पेंसिल, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, कट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, वादे का पक्का, जो इंसान अपने वादे का वचन का पक्का होता है उसे हम मैन ऑफ वर्ड कहते हैं, मैन ऑफ वर्ड्स कहना गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ही बेड मी गुड बाय। देखिए स्टूडेंट्स हमारा एक वर्ब होती है बिड,
बिड की सेकंड फॉर्म होती है बेड, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स वो होती है बिडन। तो स्टूडेंट जब भी हम किसी को गुड नाइट फेयरवेल या फिर हम गुड बाय या बाय बोलते हैं तो वहां पर कहने की इंग्लिश हम बिड लगाते हैं। तो यहां पर इसकी सेकंड फॉर्म बेड होगी, सैड नहीं आएगा, यहां पे बेड आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। आई हैव अ सेविंग्स अकाउंट इन द पंजाब नेशनल बैंक, मेरा पंजाब नेशनल बैंक में एक बचत खाता है। तो स्टूडेंट यहां पे सेविंग्स होगा, यहां पे सेविंग नहीं होगा। बचत खाते के लिए सेविंग्स वर्ड को इस्तेमाल किया जाएगा, ये सेविंग गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। ही इज इन द टेनिस फील्ड, नहीं होता स्टूडेंट, वो टेनिस के लिए कोर्ट आता है, टेनिस कोर्ट आएगा यहां पे, तो ही इज इन द टेनिस कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। ही इज अ नोटोरियस क्रिमिनल, स्टूडेंट जो क्रिमिनल होता है वो कुख्यात होता है, बदनाम होता है, तो नेगेटिव सेंस के लिए नोटोरियस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है और पॉजिटिव के लिए फेमस को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे होगा ही इज अ नोटोरियस क्रिमिनल। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। ही इज बेकिंग ब्रेड, स्टूडेंट ब्रेड को बेक किया जाता है, कुक नहीं किया जाता, तो यहां पर ही इज बेकिंग ब्रेड होगा, यहां पर कुकिंग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। इट इज माय कंसेंसस ओपिनियन या फिर कंसेंसस, स्टूडेंट कंसेंसस का मतलब होता है यह मेरा मत है, ये मेरी राय है, मतलब ये मेरी ओपिनियन है। तो या तो आप ओपिनियन बोलिए या फिर आप कंसेंसस बोलिए, दोनों वर्ड एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि कंसेंसस का मतलब होता है ओपिनियन, मतलब मत या फिर राय। तो दोनों वर्ड को एक साथ इस्तेमाल करने सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो हमारा कंसेंसस आएगा। या तो आप ये कहिए इट इज माय कंसेंसस या फिर ये कहिए इट इज माय ओपिनियन, दोनों वर्ड एक साथ यूज नहीं होंगे, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, इट इज माय कंसेंसस। तो चलिए स्टूडेंट इसी क्रम में अब हम नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा स्टूडेंट्स। यहां पर यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड या फिर रिक्वेस्टेड, स्टूडेंट किसी भी सेंटेंस में हम काइंडली और रिक्वेस्टेड दोनों शब्द को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां पर स्टूडेंट हमारा रिक्वेस्टेड वर्ड आएगा, तो सेंटेंस बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। अगर हम के सेंटेंस में काइंडली और रिक्वेस्टेड दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बन जाएगा, तो ये गलत होगा। तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड वाला वर्ड आएगा, ये ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए स्टूडेंट आप। योर चाइल्ड डिड मैनी मिसचीफ, स्टूडेंट मिसचीफ हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ में मैनी का यूज नहीं कर सकते। हाँ ये वाला यूज हो जाएगा, मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, तुम्हारे बेटे ने बहुत सी शैतानियां की, तो यहां पर मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ कहना उचित होगा। आगे देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, प्लीज कीप योर वर्ड, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको वर्ड्स। तो देखिए वर्ड्स नहीं आएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा यहाँ पर वर्ड आएगा, मतलब कि कृपया कृपया अपने वचन को निभाओ, तो कीप योर वर्ड होगा, वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। आफ्टर सीइंग द पुलिस ही विल, यहाँ पर दो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, फ्ली और फ्ली अवे। फ्ली का मतलब होता है दूर भाग जाना, तो जब फ्ली का अपने आप में मीनिंग होता है दूर भाग जाना, तो हम फ्ली के साथ में अवे नहीं लगा सकते, ऐसा करने से हमारा सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्ली आएगा, मतलब कि पुलिस को देखकर वह दूर भाग जाएगा, तो यहाँ पर फ्ली होगा, फ्ली अवे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। प्लीज टर्न ओवर या फिर ओवर टर्न, स्टूडेंट यहाँ पर होगा प्लीज टर्न ओवर द पेज। स्टूडेंट आपने देखा होगा कि एक वर्ड होता है PTO, इसका मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर द पेज। तो स्टूडेंट यहां पर याद रखिएगा, यहां पर कभी भी ओवर टर्न नहीं होगा, यहां पे हमेशा टर्न ओवर होगा, मतलब पेज पलटना, तो यानी कि प्लीज टर्न ओवर द पेज, नेवर स्पीक ओवर टर्न द पेज, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। प्लीज कट नहीं आएगा यहां पे, क्रैक आएगा, प्लीज क्रैक अ जॉब। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। यू आर 100% राइट होगा स्टूडेंट, ये वाला ऑप्शन 10% गलत होता है स्टूडेंट, ये गलत है। आगे देखिएगा 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। द पुलिस फेल्ड टू ब्रिंग अंडर, जो पुलिस है वो असफल हो गई टू ब्रिंग अंडर, टू ब्रिंग अंडर का मतलब होता है स्टूडेंट काबू पाना। अब मोब ऑफ रियोटर्स, रियोटर्स के मायने होते हैं दंगाई, दंगाइयों की जो भीड़ होती है स्टूडेंट उसे हम मोब कहते हैं। और देखिए स्टूडेंट जो दंगाइयों की समूह होता है या उसकी भीड़ होती है उसे हम क्राउड नहीं कहते, उसे हम मोब कहते हैं, ये नेगेटिव सेंस में होता है, तो ये वाला वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर ये वाला आएगा, अब मोब ऑफ रियोटर्स होगा, अ क्राउड ऑफ रियोटर्स नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। यानी पुलिस जो है असफल हो गई ब्रिंग अंडर काबू पाने में, अब मोब ऑफ रियोटर्स दंगाइयों के समूह को काबू पाने में असफल हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे अब मोब ऑफ रियोटर्स वाला ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा।
I am awaiting. Student awaiting का मतलब इंतजार करना होता है. इसके साथ में कभी भी हम for preposition का प्रयोग नहीं करेंगे. तो sentence होगा I am awaiting my friend. तो यहाँ पे awaiting आएगा, awaiting for नहीं आएगा. क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा. पुट योर, स्टूडेंट यहाँ पर नाउन आएगा तो पुट योर सिग्नेचर होगा स्टूडेंट, क्योंकि पुट क्या है, ये वर्ब है. तो हमें यहाँ पे नाउन चाहिए, साइन हमारी वर्ब है, दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती यहाँ पर. तो पुट योर सिग्नेचर होगा, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, राइट. तो आई होप स्टूडेंट ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा स्टूडेंट्स. बिवेयर ऑफ योर फास्ट एनिमीज या फिर स्वर्ण एनिमीज. स्टूडेंट फास्ट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है घनिष्ठ. इसका प्रयोग हम फ्रेंड के साथ में करते हैं, जबकि स्वर्ण का प्रयोग हम एनिमी के साथ में करते हैं. इसका मतलब होता है कट्टर दुश्मन. तो स्टूडेंट यहाँ पर ये नेगेटिव सेंस गिविंग वर्ड है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा, स्वर्ण एनिमीज. बिवेयर ऑफ योर स्वर्ण एनिमीज, अपने कट्टर दुश्मनों से सावधान रहो. आगे देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42. ही इज यहाँ पर सिपिंग या फिर ड्रिंकिंग. स्टूडेंट यहाँ पर सिपिंग वर्ड आएगा, यहाँ पर ड्रिंकिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. क्योंकि स्टूडेंट जब हम कॉफी या चाय को पीते हैं तो उसे हम चुस्की लेकर पीते हैं, तो वहां पर हम सिपिंग वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, हम वहां पर कभी ड्रिंक वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ड्रिंक का मतलब होता है किसी भी चीज को एक या दो घूंट या पूरे एक घूंट में, दो घूंट में या दो से ज्यादा घूंट में जब हम किसी चीज को पीते हैं तो वहां पे हम ड्रिंक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर सिपिंग होगा, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. द शिप इन द सी. स्टूडेंट जब कोई निर्जीव वस्तु डूबती है तो उसके लिए सैंक वर्ड आता है. सिंक की सेकेंड फॉर्म होती है सैंक, तो यहाँ पे सैंक आएगा. द शिप सैंक इन द सी. तो स्टूडेंट यहाँ पे ड्राउन वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि जब ड्राउन होता है स्टूडेंट जब कोई व्यक्ति डूबता है, ये लिविंग के लिए आता है. देखो दोनों का मतलब होता है डूबना, सिंक का मतलब भी डूबना होता है, ड्राउन का मतलब भी डूबना होता है. इसका प्रयोग हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं और इसका प्रयोग हम लिविंग के लिए करते हैं. तो यहाँ पर देखिएगा हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे स्टूडेंट सैंक नहीं आएगा, यहाँ पर ड्राउन आएगा. तो हिज फ्रेंड ड्राउन इन द रिवर यस्टरडे. तो यहाँ पे ड्राउन वर्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम लिविंग की बात कर रहे हैं, उसका दोस्त डूब गया, तो यहाँ पे सैंक नहीं आएगा, यहाँ पर ये आएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा. We should believe in God होगा स्टूडेंट, क्योंकि believe के साथ में जब हम in लगाते हैं तो इसका मतलब आस्था हो जाता है. याद रखिएगा केवल हम believe के साथ में in तब प्रयोग करते हैं preposition जब हम इसका प्रयोग God के साथ करते हैं. इसका मतलब हो जाता है आस्था, यानी कि इसका मतलब है कि हमें भगवान में आस्था रखनी चाहिए. तो यहाँ पर believe के साथ में अगर मैं कोई व्यक्ति की बात करूँ, क्या मेरा विश्वास करो, तो believe me होगा, believe in me upon me गलत हो जाएगा. तो सीधा होगा believe him, believe my friend, believe your mother, है ना. तो कभी भी किसी व्यक्ति के लिए अगर हम believe का यूज करेंगे no preposition, लेकिन God के साथ में इनका प्रयोग किया जाएगा, मतलब हो जाएगा आस्था. इसका मतलब we should believe in God, हमें भगवान में आस्था रखनी चाहिए. आगे देखिएगा स्टूडेंट don't commit or do. देखिए स्टूडेंट मिस्टेक जो होती है स्टूडेंट गलती करना, है ना, गलती करने के लिए do नहीं आता, commit आता है. तो यहाँ पे sentence होगा आपका commit. तो यहाँ पे देखेंगे डोंट कमिट द सेम मिस्टेक इन फ्यूचर, है ना. मैंने कहा कि वैसी ही गलती फ्यूचर में मत करना, मतलब कि उसको मत दोबारा से दोहराना. तो यहाँ पे कमिट आएगा, यहाँ पे कभी भी टू नहीं आएगा. आगे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 47. टू हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द पुअर. द पुअर का मतलब यहाँ पर है गरीब लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करना, मतलब उनको ठेस पहुंचाना, उनके मन को दुखाना, उनके दिल को दुखाना. तो ये क्या है, इज अ रिलीजियस सिन होगा या रिलीजियस क्राइम होगा. स्टूडेंट ये रिलीजियस सिन होता है, कभी क्राइम नहीं होता, ये वर्ल्डली होता है, ये सांसारिक होता है, धार्मिक तो ये होगा. तो यहाँ पे रिलीजियस सिन वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा. ही इज सीनियर एल्डर और ओल्डर. देखिए स्टूडेंट जो कोई इंसान हमसे एजुकेशन में, एक्सपीरियंस में या पोस्ट में बड़ा होता है तो उसके लिए हम सीनियर का इस्तेमाल करते हैं. जब कोई इंसान हमसे रिश्ते में बड़ा होता है, रिलेशन में बड़ा होता है, तो उसके लिए हम एल्डर का इस्तेमाल करते हैं. और जब कोई इंसान हमसे एज में, आयु में बड़ा होता है, तो वहां पे हम ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे हम ऑफिस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो वहां पर रैंक में बड़ा होगा या फिर वो पोस्ट में बड़ा होगा. तो ही इज सीनियर टू मी इन द ऑफिस. तो यहाँ पे सीनियर आएगा, यहाँ पे एल्डर या ओल्डर का प्रयोग नहीं किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 49. ही हैज सफिशियंट अमाउंट. दोनों वर्ड का एक साथ प्रयोग करना सुपरफ्लुअस है, यहाँ पर इनफ होगा, क्योंकि सफिशियंट का मतलब भी पर्याप्त होता है और इनफ का मतलब भी पर्याप्त होता है, पर्याप्त मतलब काफी. तो ही हैज इनफ मनी. तो स्टूडेंट ही हैज इनफ मनी. तो यहाँ पे स्टूडेंट आप एक काम करिएगा, इसमें मनी वर्ड को और आप एड कर लीजिएगा, तो हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा. तो ही हैज इनफ मनी
टू स्पेंड, तो ये वाला सेंटेंस हमारा इनफ मनी होगा। यहाँ पर सफिशियंट इनफ मनी अगर हम करेंगे तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा स्टूडेंट्स, आई नो योर पास्ट हिस्ट्री। स्टूडेंट जो हिस्ट्री होती है वो किसी भी इंसान की पास्ट ही होती है, उसके साथ में हमें पास्ट वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से सेंटेंस हमारा सुपरफ्लूस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम सिंपल बोलेंगे आई नो योर हिस्ट्री, दिस विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आपको टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ सुपरफ्लूस एक्सप्रेशन के करवाए हैं, ये आपको समझ आ गए होंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टूडेंट अब हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।